गाइस, हो चुकी है सुबह और आपको दिखाते हैं एक नज़ारा जैसलमेर के फोर्ट से, जैसलमेर शहर का। और ये है जैसलमेर किला जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं रूम के अंदर। आशीष से हाय। हेलो गाइस। तो गाइस, ये हमारा रूम है। कल रात में मैंने कुछ भी कवर नहीं किया था क्योंकि हम बहुत थक गए थे और गाड़ी वाड़ी चला के आओ तो यार फिर थोड़ा आराम की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो गाइस, आज का जो हमारा दिन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, जस्ट बिकॉज कि आज हम जाने वाले हैं तनोट माता मंदिर, इंडो पाक बॉर्डर एंड लोंगेवाला। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं गाइज, आज एक्सप्लोर करने के लिए जैसलमेर के अगल बगल जितनी भी प्लेसेस हैं। और तनोट का मैं यहाँ से डिस्टेंस बताऊँ तनोट माता मंदिर का, तो वो 140 किलोमीटर है। फिर वहाँ से 51 किलोमीटर हमारा पड़ेगा लोंगेवाला, देन लोंगेवाला से फिर 150 किलोमीटर हमारा जैसलमेर। सो गाइज, विदाउट टेकिंग मोर टाइम हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वीडियो। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन, एंड आई होप यू ऑल कंटिन्यूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ राइड के लिए और आशीष भी रेडी हो चुका है, इसने रुमाल में लगा लिया बढ़िया। ये इसका ये तो फिलहाल है, ये एल्बो गार्ड है लेकिन इसके नी पे ही बढ़िया सेट हो जाता है, कोई कह नहीं सकता कि वो एल्बो गार्ड है। तो फाइनली वी आर नॉट रेडी, रूम से निकलते हैं। ओहो, जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी घर होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, एकदम पत्थर ऐसा होता है, सब गोल्ड लुक में ही होता है, जैसे कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और ऐसा पूरा शहर है सिर्फ फोर्ट ही नहीं। और ये हमारा होटल का डिटेल है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट एंड कैफ़े होटल पैराडाइज, ये जैसलमेर फोर्ट के अंदर है। बाकी होटल की जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये किचन एरिया, यहाँ पर बैठ के आप अपना खाना वाना खा सकते हो, ठीक है। और ये है रूफ टॉप का रास्ता, ठीक है। तो चलो एक बार आपको रूफ पे भी लेके चलता हूँ, फिलहाल हमें जाना तो नीचे है। एक बार ऊपर का भी व्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और वो रही अपनी स्कूटी, ठीक है, उधर खड़ी की थी हमने गाड़ी। ओह, अभी तो बहुत धूप है भाई, इधर शाम में ही मज़ा आती है बैठने में। सो दिस इज़ द रूफ टॉप ऑफ होटल पैराडाइज, जस्ट हैव अ लुक ऑफ जैसलमेर। ऑलवेज यूज मास्क। मेरा गिर गया चश्मा, अरे भाई पता ही नहीं चलता है। आशीष पकड़ना इसको, अभी तो हम जा रहे हैं अंकल तनोट माता जी का मंदिर और ये लोंगे वाला साइड। टेंट में कल जाएंगे अंकल, हाँ हाँ, हम लोग इलाहाबाद से आए हैं, हाँ हाँ, स्कूटी से ही, हाँ हाँ। टोटल 1500 किलोमीटर पड़ा हमें इलाहाबाद से यहाँ तक, हाँ 1500। तो भाई स्कूटी स्टार्ट कर लिया, कल का जो राइड था 337 किलोमीटर का, तो टोटल अभी तक का जो हमारा राइड हुआ है इलाहाबाद से जैसलमेर तक का वो हुआ है 1499 किलोमीटर का। तो चलते हैं एंड से जय श्री राम। ओ ओ ओ ओ, भैया हनुमान सर्कल जाना है, हाँ जी, हाँ ठीक, थैंक यू भैया। तो गाइस, ये BSF का सेक्टर हेडक्वार्टर जैसलमेर ऑफिस है। पहले था कि यहाँ से ही परमिशन ग्रांट होती थी तनोट से आगे जाने के लिए, इंडो पार्क पे जाने के लिए, बट अभी यहाँ पर जो सर थे चेक पॉइंट पे, तो उनसे हमने बात किया परमिशन के लिए, तो उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि इनके जो IG सर थे उन्होंने आगे एक कंपनी सेटअप किया है, वहाँ पे आप जा करके परमिशन ले सकते हैं। तनोट आप सीधा जाइए, बस अपनी आधार कार्ड उसका जेरोक्स वगैरह करा के रखिए और सीधा तनोट जाइए, वहाँ से आपको परमिशन मिल जाएगी आगे जाने के लिए। तो भाई थोड़ा सा समय वेस्ट हुआ बट इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिली, लोगों ने थोड़ा इधर उधर घुमाया हमें कि भाई इधर पड़ेगा उधर पड़ेगा,
बट ये जो ऑफिस है ये आपको बड़ा बाग तनोट माता मंदिर वाले रोड पे ही पड़ेगा 1.5 किलोमीटर आगे, ठीक है, और कहीं नहीं जाने का है। तो चलो फिर अब चलते हैं तनोट माता जी के पास, उनसे मिलते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। पुनर सांगड़ और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन RJ15 इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ जैसलमेर और बीकानेर का RJ07, बाकी जयपुर का तो सभी को पता है RJ14। आप लोगों को पता ही होगा ये क्या है, दीज आर विंडमिल्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का इनका काम होता है। इसमें डायनमो लगा होता है, मोटर होती है, डायनमो इज अ काइंड ऑफ मोटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। है तो बहुत कुछ अपने देश में, बहुत कुछ, लोगों को सिर्फ विकास चाहिए, लेकिन थोड़ा घूमो फिरो, खूबसूरती उसी में है, बिना इतना विकास के इतना खूबसूरत है अपना देश। नहीं तो जिस दिन पूरा विकास हो जाएगा, पूरे तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा, तो उस दिन नेचुरल चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होगी अपने देश में। तो नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं हम जाते हैं तो हमें वहाँ की प्राकृतिक चीज़ें देखने को मिलती है। और अगर हर जगह भी बिल्डिंग अपार्टमेंट ऐसा बन जाएगा तो फिर क्या ही देखोगे, बिल्डिंग्स। अरे हटो, अरे हटो हटो भाई, हमें जाने दो, ये भेड़ भाई, ये सफेद कपड़ा, हमको ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग रोड बनाना सीख रहे थे, बना नहीं पाए। ये देखो ये अबे यार यार बहुत टफ होता है ऐसी रोड पे स्कूटी चलाना। अब ये अजीब अजीब सैंडल हिलता रहेगा इधर उधर, यार मूड खराब हो जाता है। फाइनली वी रीच टू द तनोट माता टेम्पल और तकरीबन 123 किलोमीटर मैंने स्कूटी को राइड किया और सामने वो एंट्रेंस है माता जी के मंदिर का। यार स्कूटी भी लगभग पूरी गर्मी होने वाली थी, हीट ना हो जाए, और मोबाइल नेटवर्क भी जा चुके हैं हमारे दोनों, एयरटेल जियो दोनों गायब है यार। गर्दन वर्दन साफ दर्द हो रही है। दिस इज द रूट फॉर लोंगेवाला, ये हम अभी इसको करके आते हैं फिर लोंगेवाला चलते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ पेट्रोल डलता है, अभी तो 1600-1650 चला के आया मैं। कितना टाइम लगता है? चार पाँच दिन लगा मुझे इलाहाबाद से जैसलमेर यहाँ तक आने में। अच्छा हाँ, ब्रेकर भी किया होगा? हाँ, पहले दिन आगरा रुके थे, फिर हम जयपुर रुके थे, फिर बीकानेर रुके थे। ये कितना स्पीड चढ़ती है? चली जाती है 90-85 तक चलाते हैं। एक लीटर में कितना? 50 किलोमीटर? नहीं, कम, 25-30 ऐसे, इतना नहीं जाती। ये आपने फिक्स किया इसके लिए, कोई बड़ा बाइक करते तो? अब स्कूटी पे ही कर लिया हमने, हम क्या बड़ा बाइक क्या करें, हम स्कूटी पे करते हैं, बाइक पे तो सभी आ जाते हैं। हाँ नहीं मैं चलाता तो मैं हूँ, ये बैठता है पीछे आराम से, हाँ साथ में रहता है, टाइम पास क्या है, घूमते रहते हैं साथ में दोनों दोस्त। हाँ अच्छा, ये जो परमिशन मिलता है वो किधर मिलता है आगे जाने का? हेलमेट उतारना पड़ेगा। सब उतार देंगे, जैकेट वैकेट सब निकाल दूंगा। इधर ही रोड मुझे लग रहा है, लोंगे वाला तो उधर है ना, हमें जाना है ये मंदिर दर्शन करने के बाद इंडो पाक बॉर्डर है जो, परमिशन लेना पड़ेगा। ये इधर से मिलेगा? लोग खड़े हैं ना लाइन में। अच्छा, परमिशन आप जैसलमेर से लेना। अरे जैसलमेर में हमने बात किया, उन्होंने बोला यहीं से मिलेगा। हाँ तो भाई ये मंदिर के बगल में कैंप है, यहाँ पर आप परमिशन ले सकते हैं अगर आप आगे जाना चाहते हैं इंडो पार्क के लिए।
जय श्री ओम बन्ना रेस्टोरेंट एवं मिष्ठान भंडार। यहाँ पर हम रुके हैं खाने के लिए। उधर आशीष बैठा हुआ, आपको मेरा जैकेट हाईलाइट हो रहा होगा। सो राइट नाउ गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ तनोट माता जी के मंदिर, और अभी एक से डेढ़ घंटा टाइम हमारा तनोट माता वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से लग गया। क्यों लगा मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। अभी पहले मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं, देन उसके बाद हम आपको बाकी की चीज़ें बताएंगे कि अगर आपको इंडो पार्क जाना है तो कैसे जाना है, उसके लिए क्या परमिट का, सारी चीज़ें डिटेल आगे। ओके, तो गाइस सबसे पहले ये है प्राचीन कुआं, जो कि आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा। इसके अंदर वैसे कुछ दिखेगा नहीं, बट फिर भी मैं चलिए आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। दिस इज द एंट्रेंस गेट फॉर द टेम्पल। ये आपको नेम प्लेट दिखाता हूँ, कुछ डिटेल्स। ये रिनोवेटेड एंड एक्सटेंडेड तनोट माता टेम्पल इनॉग्रेटेड बाय श्रीराम श्रीवास्तव IPS DGBS। All right guys, I'll show you some amazing things. These are those explosives जो कि इंडो पार्क का जब फाइट हुआ था ये ब्लास्ट नहीं हुआ था, और इन्हें आज भी स्टिल वैसे ही रखा गया है। इतिहास के झरोखों से गिरे थे ना, तो ब्रेक भी नहीं पड़ा जेम की वजह से। गेट से मैं मंदिर के दूसरे साइड पे आ गया हूँ, यानी बैक पोर्शन पे। वहाँ लिखा है कृपया कृपया रुमाल ना बांधे। कितना रुमाल बांधा हुआ है, मंदिर में आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है। और मैंने भगवान से ये प्रे किया कि हमारी जितनी भी YouTube फैमिली है, जितने भी Instagram फैमिली है, सबको भगवान खुश रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, और सबको इस कैपेबल बनाए कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरा एफर्ट डाल सकें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए थी जो मैंने अपने दिल से मांगा भगवान से। तो तनोट माता जी का दर्शन करने के बाद अभी मैं बाहर बैठा हूँ। अब आशीष गया दर्शन करने, क्योंकि इधर सामान पीछे आप देख लो रखा हुआ है। अरे यार दिख जाओ ना ये, ठीक है, तो उसको ऐसा छोड़ के जा भी नहीं सकते। और इधर हमने अपना स्कूटी खड़ा किया हुआ है, कहीं छाया भी नहीं है गाड़ी लगाने के लिए। हाँ, तो काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि अगर आप इधर टू व्हीलर से आते हो ना, तो आप नहीं जा सकते बॉर्डर पर, जो हमारे साथ हुआ। और जो आपको इंडो पार्क जाने का परमिट मिलता है, इंडो पार्क बॉर्डर पे जाने का जो परमिट मिलता है, वो आपको तनोट माता जी के मंदिर के बगल में है रिसेप्शन काउंटर, वहाँ पर आपको लाइन लगाना होगा, फिर वहाँ पर आपको परमिट इशू हो जाएगा। और परमिट का कोई कॉस्ट पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं पे करना है। बस आपका जो आईडी लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही वहाँ पर वैलिड है, अदर कोई आईडी नहीं लगेगी। सिर्फ डीएल आप लेके जाइए, डीएल दिखाइए, वहाँ पर अपना डिटेल दीजिए जो भी वो मांगते हैं, उसके बाद आप गाड़ी लेकर के आगे 22 किलोमीटर तनोट माता जी के मंदिर से 22 किलोमीटर आपको आगे जाना होगा, तब वहाँ पर आपको इंडो पार्क बॉर्डर दिखेगा। मैं तो सोचा था यार कि आपको दिखाऊंगा, बट कोई नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, जैसे कि ये चीज़ें हैं। अब ये कंट्री से बढ़ के तो शायद कुछ नहीं है, और जो मेरा एक ड्रीम था मतलब छोटा सा कि हम जाते उधर स्कूटी लेके, जो भी था ठीक है, वो अभी भी ड्रीम ही है। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें ड्रीम ही रहने देने दिया जाता है, तभी जीने का मज़ा आता है। और लास्ट ईयर जब मैं आया था, तब मैं कार से आया था, उस समय यहाँ पर परमिशन नहीं मिलती थी, तब वो जैसलमेर में मिलती थी परमिशन, तब हमें इस बारे में नहीं पता था, तब हम स्किप कर गए, तनोट आ गए थे।
और इस बार मैं आया, मुझे लगा कि हाँ सब डिटेल लेते हुए आया कि परमिशन कहाँ मिलेगा, तनोट में मिल जाएगा, बट उधर किसी ने नहीं कुछ बताया कि स्कूटी उधर नहीं जाने देते आगे, नहीं तो हम कुछ अल्टरनेटिव सोचते हैं, लेकिन बट कोई बात नहीं। और अगर यहाँ पे हमने बात किया शॉपकीपर लोगों से तो उन्होंने बोला कि हाँ लोकल गाड़ी जाता है, लेकिन ये है कि अगर आपको लोकल गाड़ी से जाना है तो आप उसका फेयर है, कोई 1500 बोलता है, कोई 1100 बोलता है, फिर 1500 वाला बोलता है चलो 1300 दे देना, तो इस तरीके से आप लोकल गाड़ी हायर कर सकते हो। हम भी चाहते तो कर सकते थे, लेकिन हमने लोकल गाड़ी इसलिए नहीं हायर किया क्योंकि जो मेरा एक अंदर ड्रीम था वो ये था कि मैं उधर अपनी स्कूटी लेके जाऊँ, चलो ठीक है वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे हाथ में अब नहीं है, लेकिन मैंने अब ये यहाँ से एक ड्रीम लेकर के मैं वापस जाऊँगा कि मैं आने वाले समय में यहाँ पर अपनी कार से आऊँगा और फिर उधर जाके वीडियो बनाऊंगा, जो भी पॉसिबल होगा करूंगा, ये यहाँ से मैं आज एक ड्रीम लेके जा रहा हूँ। क्यों आशीष सही कह रहा हूँ कि नहीं? और नहीं दोगे, और माता रानी का बुलावा भी है तीसरी बार के लिए कार से आना, मतलब तरक्की करके आना, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर हम एक बार यहाँ पर ज़रूर आएंगे, फिर से आएंगे, उस बार अपनी कार से आएंगे और आपको इंडो पार्क तक लेके जाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से गाइस। तो भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब हम चल रहे हैं लोंगे वाला, बाकी क्या था कैसे था सब कुछ मैंने आपको डिटेल दे ही दिया है, कोई नहीं अब नहीं जा पाए तो क्या कर सकते हैं, छोड़ो। चलो भाई लोंगे वाला आप लोगों को दिखाता हूँ आज बढ़िया तरीके से। नाउ रॉक एंड रोल। फाइनली आ गए यार लोंगे वाला, और वेलकम टू द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। तो चलो भाई गाड़ी वाड़ी लगाते हैं अपनी कहीं पार्किंग वर्किंग पे। अरे भाई देखो भाई क्या हालत होगा अभी, कदर गाड़ी कर रहा है। सो दिस इज द लोंगे वाला युद्ध स्थल। लोंगे वाला हमें कुछ इस तरह दिखा, जैसे कि मथुरा दास की जीप, पाकिस्तान का टैंक जिसका यहाँ आना बहुत भारी पड़ा, आज भी खड़ा हुआ है और जिंदगी भर वैसे ही रहेगा, एंड उधर ये वॉर हीरोज़ के नेम हैं, टोटल 9 सोल्जर्स का नाम है जिसमें से पंजाब 23 पंजाब 20 लैंसर्स और बीर। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। जय हिंद। अबे लॉन्चर देख के मन हो रहा है एक तो भर के दाग दे का सीधा है, कहाँ तक जाएगा, कब अज्जू पहले उधर चलते हैं, वो जो टूटी फूटी गाड़ी खड़ी हुई है ना उसको देख के आते हैं। कहाँ चली अनारकली, धीरे धीरे चलना कि हमको जाना है जैसलमेर, लोंगे वाला तनोट। तो लो भैया पहुंच गए जैसलमेर तनोट लोंगे वाला, सब एक्सप्लोर कर दिया अपनी स्कूटी पे, 125 सीसी की स्कूटी पे, मतलब पूरा लेह लद्दाख, अभी राजस्थान और न जाने क्या क्या। तो भैया बिना पता अगर आप किसी के देश में घुसोगे तो आप किसी तरह परखच्चे उड़ा दिए जाएंगे, ठीक है, और ये नहीं देखा जाएगा आप किस देश के हैं, आगे से पीछे से जहाँ जहाँ से छेद दिखेगा वहाँ वहाँ से पेल दिया जाएगा आपको। देख रहे हैं एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल वो है, न जाने कितने एग्जांपल उस पार होंगे, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी लोंगे वाला और तनोट की जर्नी, और अब हम जाएंगे जैसलमेर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द जैसलमेर। सर जाए, ओके okay.
तो भाई 108 किलोमीटर है यहाँ से जैसलमेर और 163 किलोमीटर का अभी मेरा ड्रिवन है। ताजमहल है, मथुरा का वृंदावन है, गोकुल है, हाँ उसके बाद इलाहाबाद में संगम है जहाँ तीन नदियाँ एक साथ मिलती हैं। हरिद्वार तो उत्तराखंड में चला गया ना, वो तो बहुत पहले ही उत्तराखंड और यूपी अलग अलग हो गया। चलिए चलते फिर भैया। हाँ चलो भाई, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा यार। चलिए भैया थैंक यू। तो गाइस ये जोधपुर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जब आप जैसलमेर से तनोट के लिए जाओगे रामगढ़ी पे ये शॉप पड़ती है। पीपल्स आर वेरी गुड ओवर हियर, दीज गाइज आर जस्ट ऑसम। हो गया रिकॉर्ड कर दिया मैंने। चलो भाई रात हो गई है, 66 किलोमीटर अभी भी गाड़ी चलानी है। मन तो होता नहीं है रात में चलाने का, रोड बहुत ख़राब है आप लोगों ने देखा ही होगा आते वक्त। हाँ बट फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो भाई फाइनली जैसलमेर से हम 4 किलोमीटर पीछे हैं और रामगढ़ से जो जैसलमेर का रास्ता है यार, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्या मतलब यार, रात का टाइम है आप जानते ही हो, जब सामने से बड़ी गाड़ी आती है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और रोड भी पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जगह जगह डाइवर्जन है, ब्रेकर्स हैं, गड्ढे हैं। अब देखो जैसे ये एक ब्रेकर आ गया रोड पे, ना कोई सिग्नल मार्क है कि यहाँ डाइवर्जन है, यहाँ ये है, वहाँ वो है। जब गाड़ी पास पहुँच जाती है तब समझ में आता है कि हाँ यहाँ ऐसा था वैसा है। सो ऑलराइट गाइस, कल रात में जैसलमेर आने के बाद हम सो गए थे और जो भी हमारा काम था वो सब निपटाया, डेटा ट्रांसफ़र एंड ऑल। और आज का जो हमारा शेड्यूल है वो है फ़िलहाल जैसलमेर को एक्सप्लोर करने का। कल हमने तनोट लोंगेवाला की, आपने देखा ही होगा। तो आज का जो भी होगा घूमना फिरना जो भी चीज़ें होंगी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगी, इट मीन्स कि जैसलमेर वाले ब्लॉग में मिलेंगी। और ये थी हमारी वीडियो अबाउट तनोट माता लोंगेवाला और इंडो पार्क। हम नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए, एवरीथिंग आई टोल्ड यू। एंड सो ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें सबसे पहले नोटिफिकेशन को पाके वीडियो को देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक आप सभी को अपना ध्यान रखना। दिस इज ऋषि वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।